गुफा का नाम सुनते ही आपके मन में हॉरर फिल्मों की अंधेरी और भूतिया गुफाओं की इमेज और वीडियो आपके आंखों के सामने आने लगी होगी, राइट ना। लेकिन न्यूजीलैंड के विटोमी ग्लो वार्म गुफा का नजारा डराने की जगह आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। आप इस वीडियो में देख सकते हो, इसमें अंदर जाने पर तारों से जगमगाता आसमान बिल्कुल नजदीक दिखाई देता है। दरअसल गुफा के अंदर ये रोशनी एराकनी कैंपा लुमिनोशा नामक के ग्लो वार्म से निकलती है। मजे की बात तो यह है कि यह वॉर्म जब ज्यादा भूखे होते हैं तो इनसे क्या होती है, रोशनी ज्यादा पैदा होती है और ये जीव अपने रोशनी के द्वारा अपने शिकारी को फंसाने के लिए वहां पर रेशमी जाल बिछाए रखते हैं। दक्षिणी अमेरिका देसी चिली के आटाकामा रेगिस्तान दिन में भीषण गर्मी और रात में अत्यधिक ठंड के लिए जाना जाता है। 1992 में मूर्तिकार मारियो इराजाबल ने आटाकामा रेगिस्तान के अत्यधिक तापमान को कम करने के लिए लोहे और कंक्रीट के रेगिस्तान में एक हाथ का स्कल्पचर बनाया था। उसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर है। दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि जमीन का सीना फाड़कर हाथ निकल आया है और आसमान को छूने की कोशिश कर रहा है। इस स्कल्पचर को डेजर्ट हैंड के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ऐसा पक्षी है जो उड़ते समय आवाज बिल्कुल नहीं करता? उल्लू। उल्लू उड़ते समय आवाज नहीं करता। जब पक्षी उड़ते हैं तो उनके पंख जब फड़फड़ाते हैं तो वह हवा में एक बहुत ही तेज आवाज करते हैं। आमतौर पर पक्षी जितना बड़ा हो और वो जितना तेज उड़ता है उसकी उड़ान उतनी ही तेज ज्यादा शोर करती है। लेकिन बॉर्न उल्लू या ग्रेट हॉर्नर्ड उल्लू जैसी वह प्रजाति है जो लगभग चुपचाप उड़ सकती है। यह उनका एक ऐसा गुण है जिसे लंबे समय से वैज्ञानिक को अपनी तरफ क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो पानी नहीं पीता? आप भी सोच में पड़ गए ना। जी हाँ, लेकिन एक ऐसा पक्षी है जिसका नाम है चातक पक्षी। इस पक्षी के सिर पर चोटी नुमा रचना होती है। यह पक्षी बारिश की पहली बूंद को ही पीते हैं। अगर यह पक्षी बहुत प्यासा हो और इसे एक साफ पानी के झील में डाल दिया जाए तब भी यह पानी नहीं पिएगा। ऐसा कौन सा जानवर है जो बिना पानी पिए रह सकता है? कंगारू चूहे। इनकी किडनी इतनी सक्षम होती है कि उसे कभी भी पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। यह अपना सारा तरल पदार्थ पौधों, जड़ों और बीजों से प्राप्त करता है, जो कंगारू चूहे को जीवित करने के लिए काफी है। दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है कोबरा, जो भारत में पाया जाता है। अगर इसके काटे व्यक्ति को जल्दी ही तुरंत कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला तो इसे फिर बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कहते हैं कि कई लोगों को मौत की नींद सुलाने के लिए इसके जहर की एक बूंद ही काफी है। इतना खतरनाक होता है कोबरा। लेकिन इस धरती पर एक ऐसा भी जानवर है, ऐसा भी जीव है जो कोबरा को भी पल भर में मात दे सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं बोल रहा हूँ नेवले के बारे में तो आपका ये गलतफहमी है। आइए जानते हैं कि इस खतरनाक जानवर के बारे में। हम बात कर रहे हैं मीरकैटेस की, जो दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में पाया जाता है। यह जीव सामान्यतः नेवले की एक प्रजाति है, लेकिन उससे कई ज्यादा खतरनाक होता है। इसकी ऊंचाई केवल 1 फीट है और वजन 1 किलो से भी कम है। आमतौर पर समूहों में घूमने वाले इन जीवों का नेतृत्व मादा मीरकैट करती है। आमतौर पर मीरकैट एक छोटी जंगली मेंढक, बिच्छू, सांप और उनके अंडे खाना पसंद करती है। यह कई बार बेहद खतरनाक और जहरीले बिच्छू या सांप जैसे जीवों को भी खा जाते हैं। सामान्यतः 13 साल तक जीने वाले यह जीव अफ्रीका के अलावा दुनिया के और भी कई जंगलों में पाए जाते हैं।